हेलो साथियों, नमस्कार। लेवल 2 के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद स्टूडेंटों में खलबली मच चुकी है। किसी के कम तो किसी के ज़्यादा अंक हुए हैं। यहाँ पर साथियों, कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर के बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर, हमें जो माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में सब्जेक्ट वाइज जो याचिका दायर हुई है, मैं आपको SST के जो भी प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर याचिका दायर हो रही है, वो आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन की बात की जाती है कि सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसे होकर नहीं गुजरता वह है। ये भी एक विवादित प्रश्न है। इसका जो आंसर माना था, चाहे वो प्रारंभिक आंसर की या अंतिम आंसर की, में जैसलमेर इसका आंसर माना था, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर याचिका दायर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्सों का मानना है कि सर, हम भी याचिका दायर करवाना चाहते हैं और हम भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से हो सकते हैं? तो इसका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर एडवोकेट की पूछी जाती है तो अरविंद कुमार शर्मा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं अरविंद कुमार शर्मा जी और आनंद कुमार शर्मा जी के यहाँ, जिनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं 6350 64 64 75 07, या नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर 6375 77 15 82, इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नहीं करें तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो। इसके बाद जो भी प्रश्न हैं, जैसे अगला प्रश्न है, बिलारा चूनर पत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है, ये क्यों इस पर याचिका दायर हो रही है? क्योंकि इसमें एक माइनर मिस्टेक क्वेश्चन की है, क्वेश्चन में एक माइनर मिस्टेक है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी वाला, ये 18वीं की जगह 8वीं कर दिया गया था, और 8वीं होना चाहिए था इसलिए ये डिलीट किया गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंटों का मानना है कि ये एक माइनर मिस्टेक है, डिलीट क्यों किया, तो और प्रश्न भी डिलीट करने चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र वाला, इसमें दो आंसर झुंझुनू और जोधपुर, लेकिन प्रारंभिक में झुंझुनू माना था और इसको भी डिलीट कर दिया था। ये भी इस पर भी याचिकाएँ दायर हो रही है। दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाला जिला, प्रारंभिक में इसका राइट आंसर अलवर माना था, लेकिन बाद में करौली मान लिया था। इस पर भी काफ़ी याचिकाएँ लग रही हैं। एक है जो मंडी क्षेत्र वाला कृषि विपणन बोर्ड, इसको भी क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों पूरा करता है, इस प्रश्न भी याचिका दायर हो रही है। SST की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैथ साइंस और हिंदी की भी मैं आपको PDF डाल दूंगा। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर केरल माना था, लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास अंतर्गत आता है, इस पर भी लगाई जा रही है विवादित प्रश्न है, लेकिन आंसर इसका भाषा का शिक्षण माना गया। ये पूरा पेपर है, ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है, इसमें डायरेक्ट आप क्रमांक भी देख सकते हो। और शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी एक शिक्षण विधि का है, इसका राइट आंसर मनोरंजनात्मक, लेकिन स्टूडेंट्स इस विवादित को लेकर के सौंदर्यात्मक बता रहे हैं। साथियों, ये लगभग 8 से 10 प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखते हुए आपके इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, जो सही हैं उन पर ना लगाएं और जो गलत हैं उन क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति दर्ज करा देनी चाहिए। धन्यवाद।